ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, गुरु के ज्ञान का मेरे मस्तक पे लग जाए, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़हन में बस जाए, गुरु ज़हन में बस जाए, गुरु के ज्ञान का टीका अनंत उपकारी सद्गुरुदेव उनके अनंत ज्ञान को, आगम वाणी को भाव वंदना, सृष्टिगत सहयोगी समस्त षड्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हर एक इंसान के जीवन में भिन्न भिन्न तरह की योग्यताएं उजागर होती है। हम सारे ही इंसानों की योग्यताओं का जोड़ यह संसार है। इस संसार में न केवल इंसान बल्कि प्राणी मात्र, हर एक प्राणी की अपनी अपनी क्वालिटीज है, विशेषताएं हैं, और ये सारी विशेषताएं जब वह दूसरों को दी जाती है तो फैल जाती है। जैसे बादलों ने अपनी योग्यता दी, पानी बरसा, सागर ने अपनी योग्यता दी, बादल बने, सूरज ने अपनी योग्यता दी, उजाला हुआ, चांद ने अपनी योग्यता दी, शीतलता फैली, प्रकृति ने अपनी योग्यताएं दी, हमें जीवन मिला, हमने अपनी योग्यताएं दी, ये संसार में कितना कुछ विकास हुआ। ये सृष्टि क्या है? हम सबकी योग्यताओं का समूह। इस योग्यताओं के समूह पे अगर हम एक विराट नजरिया डालें तो महसूस होगा कि सबने अपना अपना हाईएस्ट दिया है। जितना आदमी दे सकता, जितने लोग दे सकते, जितने प्राणी दे सकते, उन्होंने अपना सब कुछ दिया। अगर बादल ना दे क्या होगा? धरती प्यासी रह जाएगी, हम प्यासे रह जाएंगे। बादल ना दे तो जीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर सागर ना दे तो, इंसान ना दे तो क्या हो जाएगा? और इन सब में से देने में सबसे ज्यादा कंजूस कौन? देने में सबसे ज्यादा कंजूस कौन? प्रकृति नहीं है कंजूस, कंजूस है हम लोग। हम लोग कंजूस है। प्रकृति देती भी है, विराट रूप में देती है। वो थोड़ा लेती है, कई गुना करके देती है, और आदमी बहुत लेता है, थोड़ा सा देता है, इतना लेता है और थोड़ा सा देता है। और यही कारण है ये इंसान ही सबसे सिकुड़ा हुआ है, बाकी सब फैले हुए हैं। इंसान ही संकुचित है, बाकी सब विराट होते चले जाते हैं। एक इंसान ही है जो कंप्लीट विराट हो सकता था, लेकिन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि देना नहीं चाहता, उदार नहीं है। कहीं ना कहीं उसके अंदर पकड़ आ गई, मैं अपनी योग्यता को पकड़ के रखूं, मेरे को ये राज मिला है औरों को ना मिल जाए। आज दुनिया में इतना ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ, चिकित्सा प्रणालियों का विकास हुआ, ज्योतिष ज्ञान का विकास हुआ, इतना विकास हो गया, और हम भारतवासी पता है क्या कहते हैं? हम भारतवासी कहते हैं ये सब इंडिया से ही तो निकला है, हमारे भारत से ही तो बाहर गया था,
एक दिन गुरुजी के सामने, विराट गुरुजी के सामने किसी ने कह दिया, ये सारा संगीत भारत का विकसित हुआ था, ये आयुर्वेद भारत में विकसित हुआ था, ये चिकित्सा शल्य क्रिया भारत में तब होती थी। गुरुजी बोले तो इससे क्या, आज दुनिया में फैला कहां से? पाश्चात्य जगत से। भारतीयों ने क्यों नहीं फैलाया? क्योंकि भारतीयों के मन में एक संकोच था, जो मेरा ज्ञान है वो मैं अपने तक रखूं, अपने बेटे तक रखूं, आगे ना फैलने दो, मैं अपने वंश में रखूं, अपनी धरोहर अपने वंश में रखूं, वंश के बाहर ना फैलने दूं। हमारा ज्ञान सिकुड़ता चला गया। आज जब वास्तु बाहर से आता है, हम कहते हैं ये वास्तु कहां से आया, ये तो इंडिया का थोड़ी है, या फिर हम कहते हैं इंडिया का ही था लेकिन बाहर से फैल गया। हम भूल जाते हैं ये सब चीजें पहले से थी तो सही, लेकिन हमने फैलाई नहीं। दोष कहां? हमारे संकोच में, हमारी संकीर्ण मानसिकता में, हमारे भीतर रही हुई पकड़ में, परिग्रह की भावना में। वो परिग्रह की भावना आज भी इतनी अधिक है कि किसी को गाना आता है तो वो गाना नहीं फैलाता, किसी को लिखना आता है तो वो अपने लेखन की विद्या को नहीं बढ़ाता, सब तक बांटता ही नहीं है, सब तक बढ़ने ही नहीं देता। हम सोचते हैं आता कहाँ है, मेरे को उसके जैसा तो नहीं आता है, मैं उसके जैसा तो नहीं गा सकता, उसके जैसा तो नहीं बोल सकता, उसके जैसा तो नहीं लिख सकता, इसलिए मैं लिखूं ही ना, मैं बोलूं ही ना। नहीं होता। यहाँ किसी को खड़ा करके कह दो तुम गाओ तो कहेंगे नहीं, मेरे को उनके जैसा नहीं गाना आता, विल सभा इंसल्ट करेगी इसलिए मैं नहीं गाऊंगी। अरे भैया कोई इंसल्ट नहीं करेगा, गाओ अपने गाने को, फैलाओ, लेकिन नहीं फैलाएंगे। अपने प्रेम को फैलाओ, लेकिन नहीं फैलाएंगे। अपना प्रेम हम चार दीवारी में कैद रखेंगे, बस चार लोगों से प्यार करना, बाकी पूरी दुनिया से कट जाना। आदमी डरता है अपने प्यार को भी फैलाने से, डरता है। देखो फूलों ने तो अपनी खुशबू को फैलाने से कभी संकोच नहीं किया, किया होता तो बगीचा इतना खूबसूरत कैसे लगता। फूलों ने कभी संकोच नहीं किया, कि इंसान ने अपने हृदय के प्रेम को भी फैलाने से संकोच कर दिया, कि मैं प्रेम फैलाऊं उसके पहले भी उसके मन में 100 सवाल पैदा हो जाते हैं, 100 सवाल खड़े हो जाते हैं कि प्रेम दूं, ज्ञान दूं, पहले देख तो लूं वो पात्र है या नहीं है, ये पात्र है या नहीं है, ये परीक्षा दिल करेगा या दिमाग करेगा, कौन करेगा ये परीक्षा, कौन करता है कि सामने वाला पात्र है या नहीं है? हाँ, दिमाग करता है। और देता कौन है, दिल से निकलता है दान या दिमाग से निकलता है? बस यही सबसे बड़ा अंतर है। दान कभी दिमाग से निकला ही नहीं है, दान हृदय की उदारता का नाम है, हृदय की विशालता का नाम है। जब हृदय विराट होने लग जाता है तो उसके भीतर से स्वतः जो प्रेम होता है वो बाहर निकलता है, जो योग्यता होती है वो बाहर फैलती है, फैलता ही है। एक बार किसी बहन ने मुझे पूछा, महाराज जी फिर दान आदि को धर्म का द्वार क्यों कहा गया? क्यों कहा गया दान को धर्म का द्वार? क्योंकि दान है, उदारता है, फैलोगे तभी अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध बनोगे। धर्म है वास्तविक स्वरूप, इसको वही व्यक्ति उपलब्ध होता है जो फैलना जानता है, जो बिना संकोच किए फैलता है, जो दिमाग से पात्रता नहीं तोलता। तोली है पात्रता। इवन देन हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि दान देने के ये उत्तम पात्र, ये मध्यम पात्र, ये अधम पात्र। ये उन लोगों ने लिखा जो दिमाग से चलते थे, जिन्होंने दिया नहीं था, केवल जिनको टीका लिखने का शौक था। हकीकत है जिनको व्याख्या करने का शौक था, टीका करने का शौक था, जिनको बस किताबें पन्ने भरने थे, उन्होंने बहुत सारी पात्रताएं निर्धारित कर ली, लेकिन दान का, प्रेम का कोई अपात्र होता ही नहीं है। आज हमें कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा मिले तो क्या हम सोचेंगे कि हम पात्र हैं या नहीं है? हाँ, क्या हम सोचेंगे? लेकिन जब हम अपनी मुस्कुराहट देने लगते तो हम पहले सोचते हैं कि सामने वाला जैन है या नॉन जैन है, तेरापंथी है या दिगंबर है, अपने गुरु के है या किसी और गुरु को मानने वाला है, अपने यहाँ आता है या कहीं और जाता है। 100 सवाल हमारे पास आ जाते हैं, बल्कि कई बार तो लोग जय जिनेंद्र कहने से पहले भी सोचने लग जाते हैं कि इनको जय जिनेंद्र बोले या ना बोले। इसीलिए कहते हैं दान के बिना धर्म में प्रवेश होता ही नहीं। प्रकृति देती है,
प्राकृत आज्ञा यही है कि हमारे को इस प्रकृति से जो कुछ मिला है वो प्रकृति को वापस देने में काम आए, ये प्राकृत आज्ञा है। हमें जो कुछ मिला, जितना भी मिला, जैसा भी मिला, हम मिले हुए को कितना लें और वापस उसको कैसे दें। हम जैसे लेते हैं वैसे ही नहीं देंगे। देखो, समुद्र ने पानी दिया, सूर्य ने लिया। जब पानी लिया गया था, भाप बन करके ऊपर उड़ा था, लेकिन जब वो पानी वापस लौटा, वही खारा पानी था, लेकिन जब लौट गया मीठा पानी हो गया। उसने जैसे लिया था वैसे नहीं दिया, ठीक है ना। हमने भी इस प्रकृति से बहुत कुछ लिया और हर पल ले रहे हैं, और इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। लिए बिना हम जी ही नहीं सकते। हमें हर पल नथुनों से श्वास लेनी ही है, पूरे रोम छिद्रों से श्वास लेनी ही है, पानी पीना ही है। अग्नि चाहिए, धरती चाहिए, हवाएं चाहिए, वृक्ष चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। लें, कैसा लें और किस भांति दें, यह जानना प्राकृत आज्ञा कहलाती है। इट्स ऑल आर नेचुरल ऑर्डर्स कि हम कैसे ले रहे हैं, पानी किस तरह का पीना, कब पीना और कैसे पीना, भोजन कौन सा ग्रहण करना, किस मौसम में कैसा लेना, किस काल में लेना, किस प्रकृति का लेना। शरीर की प्रकृति और भोजन की प्रकृति अनुकूल रहे ऐसा भोजन करना, लेकिन शरीर को बीमार करे ऐसा भोजन नहीं करना, यह कहलाता है नेचुरल ऑर्डर। ये नेचुरल ऑर्डर है हमारा, भूख प्यास नींद आहार विहार निहार, ये सब कुछ प्राकृत आज्ञाएं हैं। इन प्राकृत आज्ञाओं में हम सबको जागृत भी रहना है, संतुलित भी रहना है और सम्यक भी रहना है, सम्यक भी रहना है। नहीं तो होता क्या है, हम ये नहीं देखते कि हमारा पेट की क्या इच्छा है, क्या जरूरत है, हमारे शरीर का स्वास्थ्य किसके साथ ठीक रहेगा, ये हम नहीं देखते। हम देखते हैं आजकल प्रचलन में कौन सा फूड है। जब भी कोई पार्टी होती है, लोग ये नहीं सोचते कि सबके शरीर के स्वास्थ्य के अनुरूप भोजन कराया जाए। लोग सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा आजकल फैशन किस फूड की है, जंक फूड की है, फास्ट फूड की है, जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। जल्दी से रोटी को कौन बेलेगा, कौन सेकेगा, बेक कर दो, ब्रेड निकालो और ब्रेड खा लो, बस। अब क्या हुआ, शरीर की प्रकृति के विपरीत काम किया, शरीर बीमार हो गया, असंतुलन हो गया ना, प्राकृत आज्ञा का उल्लंघन हो गया। अब प्रकृति को नहीं सुना, और न केवल अपनी प्रकृति को, हम चाहते हैं दूसरों की भी प्रकृति को विकृत करना। हम केवल अपनी ही प्रकृति को विकृति नहीं दे रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे साथ रहने वाले लोग हैं ना, सब बीमार पड़े। इसीलिए हम भी ऐसा खाना खाते हैं जिसमें पौष्टिकता नहीं होती, और अपने साथियों को भी। एक घर में हमारा ठहरना हुआ, अब साधु है तो घर घर में जाते हैं, जब घर घर में जाते हैं तो घर घर के एक्सपीरियंस होते हैं। तो जिस घर में ठहरे थे, उस घर में अग्रवाल परिवार था, वो बहन बोलती है महाराज साहब खाना तैयार है, भोजन ले लो। हमने भोजन जब पहरा तो पता लगा किसी भी सब्जी के अंदर मिर्च नहीं है। हमने कहा आप लोग मिर्च नहीं प्रयोग करते, बोले महाराज जी हमारे यहाँ लाल मिर्ची आती ही नहीं है, घर में ही नहीं आते, ना हम खाते ना किसी को खिलाते हैं, किसी को बीमार क्यों करना। मैंने कहा क्या मतलब, कि हाँ हमारे यहाँ कभी हम मिर्ची का प्रयोग नहीं करते, जरूरत पड़ती है तो हरी मिर्च काली मिर्च डाल देते हैं, लेकिन लाल मिर्च नहीं डालते। अच्छा ऐसा क्यों, बोले महाराज जी आपको नहीं पता स्वास्थ्य के नियमों का। तो बात तो ठीक है, मुझे भी नहीं पता था। ऐसी कितनी सारी बातें हमें नहीं पता होगा, हम लोग कितनी चीनी खाते हैं, शक्कर, लेकिन कोई भी समझदार होगा तो शक्कर का कम से कम न्यूनतम प्रयोग करेगा, उसकी बजाय गुड़ खाएगा। अभी हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि प्राकृत आज्ञा का ज्ञान ही नहीं है। प्राकृत आज्ञा क्या कहती है, भोजन का विवेक करें, भोजन कैसा लेना, किस चीज में नमक पड़ना, किस में नमक नहीं पड़ना। लेकिन हम दही भी खाएंगे तो नमक डाल के खाएंगे, हम सलाद भी खाएंगे तो ऊपर से नमक डाल करके खाएंगे, उसमें नमक पड़ेगा या नहीं पड़ेगा पता तो कर लो। बिना नमक के वो चीज काफी अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन हमें
प्रकृति के लिए नहीं खाना, हमें स्वाद के लिए खाना, ठीक है ना। अब हम स्वाद के लिए खा रहे हैं तो क्या होगा, स्वाद के लिए खाना हम खाएंगे और बाकी हमारा पैसा डॉक्टर खाएगा। लोग कहते हैं कि जितना खाना हम खाते हैं ना, उसमें से केवल चौथाई खाना हम अपने लिए खाते हैं, बाकी दो तिहाई खाना हम समझ लो डॉक्टर्स के लिए खाते हैं। क्योंकि हमारा खाना खराब नहीं होगा तो डॉक्टरों का धंधा कैसे चलेगा। और फिर आजकल एक और फैशन, हर घर के अंदर मैं सुनती हूँ कि लोग डॉक्टर्स की बुराई कर रहे होते हैं, लोग डॉक्टर्स की बुराई करते हैं, दवाइयों की बुराई करते हैं और मेडिकल की हर एक चीज़ की क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि डॉक्टर कसाई बन गए हैं, ये हम लोगों को इस तरह से लूटते हैं, ये 5 रुपए की चीज़ 5,000 में बेचते हैं। मैंने कहा वो सब बातें ठीक है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें भेजता कौन है, प्रेरित कौन करता है, कौन कहता है घर में डॉक्टर को बुलाओ, कौन कहता है डॉक्टर के साथ अपना रिलेशन बढ़ाओ, किसने कहा। हमने अपने नेचुरल ऑर्डर को नहीं जाना, जब नहीं जाना तो प्रकृति में हमेशा विकृति पैदा होती गई। जहां जहां लगे प्रकृति में विकार आ रहे हैं, पहचान ले हम कि हम कहीं न कहीं आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं। हम आउट ऑफ ऑर्डर हुए हैं इसीलिए प्रकृति में विकृतियां आ रही है, अन्यथा प्रकृति पूर्णतया संगीतमय है, रिदमिक है, वहां कोई कोलाहल नहीं है, उस कोलाहल में भी एक आनंद है। जैसे वृक्ष है, जंगल खड़े हैं, आवाजें तो होगी, हवा चलेगी, पेड़ भी तो आवाज करेंगे, लेकिन उसमें भी एक संगीत होगा। नदी बह रही है, आवाज तो होगी, कलकल की ध्वनि तो आएगी, लेकिन उस नदी की कलकल की ध्वनि में भी संगीत होगा। और हमारे साथ क्या है, पानी हमारे पेट में गया, भोजन हमारे पेट में गया, ताजगी आनी चाहिए थी, प्रफुल्लितता बढ़नी चाहिए थी, नया काम करने की सृजनात्मक प्रेरणा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही खाना खाया नींद आनी शुरू, अब बैठना मुश्किल हो रहा है। भैया क्या बात है, इतनी नींद क्यों, खाने के बाद में तो ताजगी होनी चाहिए ना, क्योंकि खाना खराब है, खाना ठीक तरीके से नहीं खाया जा रहा, जो जैसा जिस तरीके से खाया जाना चाहिए उसका हमें ज्ञान नहीं है। तो ये आवश्यक है, क्या आवश्यक है, प्राकृत आज्ञा को जानना, प्राकृत आज्ञा को जानना और प्राकृत आज्ञा में जीना वह आवश्यक है। जो प्राकृत आज्ञा में जीता है उसे समझ में आएगा कि प्रकृति के कितने महत्वपूर्ण योगदानों से मेरा यह जीवन गति कर रहा है और मैं इस प्रकृति के महत्वपूर्ण योगदानों में अपनी ओर से विकार ना फैलाऊं, अपनी ओर से विकृतियां ना बढ़ाऊं। अगर मैं इस प्रकृति के संगीत को डिस्टर्ब करता हूं तो मैं अनावश्यक कर रहा हूं, अतिक्रमण कर रहा हूं, आउट ऑफ ऑर्डर हो रहा हूं। कोई और बताएगा हमको, जब हम खाने की थाली पे बैठे कोई और बताएगा अभी कम खाओ, और कोई और बता दे तो पत्नी कह दे ये मत खाओ वो मत खाओ, कमा के मैं लाता हूं या तू लाती है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, घर में कोई चीज की कमी हो तो बता देना। हाँ हमें गुस्सा आ जाएगा, बेटा कह दे पापा ये नहीं खाना, हम कहेंगे बस शांत रह तू अपना काम कर। कोई और कह दे हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर जब डॉक्टर्स कहेंगे तब, जो साधु कहेगा ना कि आयंबिल कर लो एकाशना कर लो, तो कहेंगे वाह महाराज जी का तो काम ये कहने का और हमारा काम है। और फिर पता कुछ लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी कितनी अच्छी बात है। मैंने पूछा क्या, कि भगवान ने हमें 2 कान दिए, कि एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, इसीलिए आप इतनी सारी बातें कहते हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल लेते हैं। तो हम स्वयं प्राकृतिक आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, कोई और कहेगा तो बुरा लगेगा। और इस प्रकृति का एक नियम है, वह नियम यह है कि हर अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होता ही है, हर अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होगा ही। अगर हमने आउट ऑफ वे जाकर के खाया है, भोगा है, सोचा है, बोला है, सोया है,
चला है, आउट ऑफ वे जाकर के, आउट ऑफ नेचर जाकर के हमने जो कुछ काम किया है उसका अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होगा, फिर पेट भी खराब होगा, दांत भी खराब होंगे, घुटने भी खराब होंगे, कमर भी खराब होगी, सब कुछ चीजें, जितनी शरीर की बीमारियां हैं, क्योंकि शरीर प्रकृति है, शरीर प्रकृति का योग है। इस शरीर में क्या है? मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, यही तो सब कुछ चीजें हैं। ये पूरा शरीर प्रकृति का योग है। अगर शरीर बीमार है यानी प्राकृतिक आज्ञा का उल्लंघन हो गया। अब इस अतिक्रमण का प्रतिक्रमण या तो बीमारियों के रूप में करना पड़ेगा या हम स्वयं सजग होकर के अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे तो प्रतिक्रमण हो जाएगा। स्वयं सजग होकर के जीवन शैली को सुधारना जरूरी है। अब कोई सुधारे या न सुधारे, दूसरा उसके ऊपर ऑर्डर देने नहीं जाएगा, उसको स्वयं को ही करना होगा। और कैसे करना होगा इसको, इसका निरीक्षण भी हमें खुद को ही करना होगा कि मुझे अपनी प्रकृति में कैसे संतुलन लाना है, मुझे अपने शरीर में कैसे संतुलन लाना है, मेरा शरीर बीमार हो रहा है तो इसको मुझे ठीक कैसे करना है। आप देखो, आदमी के सिवाय दुनिया का कोई प्राणी दवाई लेता हो तो केवल उन पशुओं को दवाई की जरूरत पड़ती है जो पशु मानव समाज के साथ जुड़ा हुआ है। गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी अगर बीमार होती है और वो इंसान के समाज के साथ जीती है तो ही बीमार होती है, तो ही उसको दवाई की जरूरत है। बाकी जंगलों में रहने वाला कोई प्राणी, सुना कभी उनके लिए डॉक्टरों की जरूरत पड़ी? हाँ, शेर के लिए, चीते के लिए, हिरन के लिए, बाघ के लिए, सारस के लिए, मछलियों के लिए कोई डॉक्टर भेजा आपने? प्रकृति के किसी प्राणी को डॉक्टर की, उपचार की, चिकित्सा की जरूरत ही नहीं है। उनका संतुलन स्वयं होता है। केवल हम लोगों को बीमारियां भी आती है और डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग नेचुरल ऑर्डर्स का उल्लंघन करते हैं। अब करना नहीं करना वो अपनी अपनी स्वतंत्रता की बात है। हमें कोई थोड़ी कहेगा कम खाओ या कैसा खाओ या कैसे सो या कैसे बैठो। ये हमें ही सीखना है, क्योंकि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। क्यों स्वस्थ रखना है? प्रकृति की उपहार है हम, प्रकृति की योग्यताओं का जोड़ है हमारा शरीर, और जिससे हमने लिया है उसको कई गुना होकर के नहीं लौटाया तो प्रकृति का कर्जा हमारे ऊपर है। और पहले से ही कोई कर्जदार हो और फिर दोबारा आपसे कर्जा मांगने आए, दे दोगे क्या? जो आपसे पहले से ऋण लेकर के गया, उसने ऋण चुकाया नहीं है, बहुत सारा ऋण उसके ऊपर है और अब नया ऋण मांगने आया है, कौन देगा? देने वाला जानता है कि वापस चुकाने वाला? बस, तो मानव क्यों मानवता से नीचे गिरेगा? क्यों हम पंचेंद्रिय मनुष्य बनने के बाद वापस चौरेंद्रिय, तीनेंद्रिय, वेंद्रिय और एकेंद्रिय योनियों में पैदा होंगे? क्यों पैदा होंगे? प्रकृति का अतिक्रमण करेंगे और करते ही चले जाएंगे तो पैदा होंगे, लेकिन नहीं करेंगे और कर चुके हैं तो उसको सुधार लेंगे। नेचुरल ऑर्डर्स का उल्लंघन नहीं करेंगे तो हम कभी वापस निम्न योनियों में नहीं जाएंगे। तो ये आवश्यक क्या है? प्राकृत आज्ञा। वो प्राकृत आज्ञा, प्रकृति के संगीत को जीना। और जहां प्रकृति असंतुलित हुई वहां प्राकृत आज्ञा का उल्लंघन हो गया, जिसका हमें प्रतिक्रमण करना है। यह प्रतिक्रमण होगा नेचुरल ऑर्डर्स का प्रतिक्रमण। अभी दो ऑर्डर्स और बाकी है, सोशल ऑर्डर और स्पिरिचुअल ऑर्डर। तो हम इसको भी समय आने पर सुनेंगे। आज इतना ही। ओम शांति, ओम शांति। पृथ्वी को धन्यवाद पानी।